वर्तमान के पूरे संत सद्गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने अपने उज्जैन आश्रम से होली के पावन अवसर पर 28 मार्च 2021 को सत्संग सुनाते हुए भक्तों को संदेश दिया कि देखो प्रेमियों, त्यौहार के दिन कुछ सीख लेना चाहिए। होली, दिवाली, पूर्णिमा आदि जो त्यौहार आते हैं, इन त्यौहारों में बुराइयों को त्यागना चाहिए और अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। महाराज जी ने गुरु की महिमा के बारे में बताया कि कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता। गुरु एक शक्ति होती है, ताकत होती है। जिस प्रेमी को अपनाते हैं, गुरु ताकत को जोड़ देते हैं। लेने वाला चाहिए। होली का कार्यक्रम तो पिछली बार बहुत जोरदार हुआ, बहुत आदमी आए थे, लेकिन उसके बाद में ये रोग फैल गया कोरोना का। और फिर बराबर छोटे छोटे ही ऐसे कार्यक्रम होते रहे, लेकिन गुरु महाराज की दया रही कि आश्रम पर जो लोग रहे वही लोग कार्यक्रमों को, जैसे भंडारा है आपका और जो ये पूर्णिमा के कार्यक्रम हैं, जो त्यौहार यहाँ होते थे, बहुत भारी भीड़ आती थी, नहीं आई, लेकिन फिर भी कार्यक्रम संपन्न हो गए। आप आश्रमवासी जो इस समय पर हो, आपको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखो, इस वर्ष भी सरकार की तरफ से भी रोक टोक लगी, रोक दिया गया लोगों को, क्योंकि सरकारें भी जनहित का काम करती हैं। सरकार भी चाहती है किसी का नुकसान न हो, तो रमजान में भी कोई गलती किसी से बन जाती है तो उसकी भी सज़ा भोगनी पड़ती है। कोई अनजान में ही समझ लो कि रोग का शिकार हो जाए, समस्याओं का शिकार हो जाए, इसलिए लोगों को रोक दिया गया है। लेकिन त्यौहार के दिन आप देखो कि आदमियों को कुछ सीख लेनी रहती थी, बुराइयों को छोड़ना रहता था, अच्छाइयों को ग्रहण करना रहता था, जिसलिए ये त्यौहार बनाए। गुरु महाराज भी होली का कार्यक्रम, दिवाली का कार्यक्रम, गुरु पूर्णिमा का, भंडारे का, ये सब कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे, जिसमें प्रेमी जाते थे, एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता था, कर्मों का लेना देना भी अदा होता था, भजन ध्यान सुमिरन वचन सुनने से करने की इच्छा पैदा होती थी, आदत बन जाती थी। जब गुरु महाराज के पास से लोग वापस जाते थे, लौटते थे, बिल्कुल तरोताज़ा होकर के लौटते थे, तो प्रेमियों गुरु महाराज दया करते थे, आँख से देख करके, वाणी से सुना करके, हाथ से स्पर्श करके दया देते थे। तो अब आप ये सोचो, अब कैसे दया मिलेगी? गुरु महाराज का काम ये करते थे, इनके पास जाने से भी हमको फायदा होता था, लाभ होता था, गुरु की दया का अनुभव होता था। तो हम तो घर पर ही हैं, तो हमको कैसे दया मिलेगी? दया तो आपको वहीं से मिल जाएगी, क्योंकि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अन महादुखी संसार में आ गए यम के फन। गुरु कोई हनुमान के शरीर का नाम तो होता नहीं है, गुरु एक शक्ति होती है, ताकत होती है। वो ताकत जिस प्रेमी को अपनाते हैं गुरु, उसके साथ आनी जोड़ देते हैं ताकत को। लेने वाला चाहिए, जो जैसा पात्र होता है उसी हिसाब से उसको वो दया मिल जाती है। तो प्रेमियों, दया तो आप लोग दया के घाट पर बैठ करके गुरु महाराज के ले सकते हो। गुरु महाराज का तो ऐसे भी आप भौतिक शरीर में, पिंडी शरीर में दर्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि पिंडी शरीर को छोड़ करके वो दुनिया संसार से चले गए। लेकिन सूक्ष्म शरीर में यानी समझो शब्द रूपी गुरु अब भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। गुरु को आप अंदर में ध्यान लगा करके आज देख सकते हो। त्यौहार का दिन आपके समझो होली में ध्यान लगा करके रात को आप और गुरु का दर्शन करने की इच्छा पैदा करके, तड़प पैदा करके, दीनता ला करके अन्य समझो कि आप कर सकते हो गुरु का दर्शन, अपनी तकलीफों को, समस्याओं को खत्म कर सकते हो, कर्मों को काट सकते हो। लेकिन जब दीनता आ जाए, जब आपका सारा अहंकार खत्म हो जाएगा, चाहे धन का हो, चाहे बल का हो, चाहे मान प्रतिष्ठा का हो, किसी भी तरह का जब अहंकार नहीं रहे,
क्योंकि अहंकारी आदमी कभी छोटा नहीं बनना चाहता है, वो तो हमेशा जो भी उसके पास धन बल रहता है उसी के बुद्धि रहती है उसी के अहंकार में रहता। तो जब छोटे बन जाओगे दीन बन जाओगे तो दीन जान कर करे निबेरा जो सच्चे मन से हेरा, सच्चा मन बना लोगे दीन बन जाओगे तो वो मालिक दया कर देगा। जो परमात्मा रूप में गुरु शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है वही गुरु की गुरु महाराज की शक्ति आपकी प्रेमियों मदद कर देगी, वही अपना लेगी आपको, आपकी जो इच्छा है जो वो पूरी होगी, समस्याएं दूर होंगी उससे। इसलिए बराबर एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए, एक को आप साधने का हमेशा निशाना